और नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में कई जिलों का तापमान 46 डिग्री के पार हो चुका है। जाहिर है ऐसे में लोगों को पंखे और कूलर का ही सहारा लेना है, लेकिन इस भीषण गर्मी में सरप्लस बिजली वाले राज्य के कई जिलों में घंटों बिजली कटौती हो रही है, वो भी चुनावी साल में। नौतपा चल रहा है और ऐसे में कोंडागांव में फिर से पावर कट रहेगा। दो दिनों से अचानक बिजली गुल हो रही है। बिजली बंद होने से लोग वैसे ही परेशान हैं। ऐसे में लोगों को फिर से बिना पंखा और कूलर के रहना होगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारी कहते हैं कि सप्लाई में फॉल्ट आने से बिजली सप्लाई बंद हो रही है और फॉल्ट सुधारने में समय लगता है। कोंडागांव जिले में कोंडागांव शहर के अंतर्गत कोई बिजली कटौती नहीं की जा रही है। अभी कल रात में पक्षी चमगादड़ लटक जाने के कारण बेलवा पदर में लाइन फॉल्ट हो गई थी, जिसको चालू करने में कुछ वक्त लगा क्योंकि रात में फॉल्ट नहीं मिला था। ओवरलोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी चालू हैं फीडर। सिर्फ कोंडागांव नहीं बल्कि मनेंद्रगढ़ में भी लगातार बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में बिना सूचना के लाइट गोल हो रही है। विभाग की लापरवाही का अंदाजा जिला कार्यालय के सामने खंभे में दिन में भी जलते स्ट्रीट लाइट से लगाया जा सकता है। बताएं कि 3 साल से भरतपुर की लाइट मनेंद्रगढ़ इलाके से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है और लाइन में तार टूटने से बिजली की परेशानी बनी रहती है। क्या है, भरतपुर की जो लाइन है, बड़ी लाइन हमारी मनेंद्रगढ़ से जाती है, उसकी लंबाई लगभग 130 से 140 किलोमीटर लंबी है। तो इसकी वजह से कई बार जंगलों से पूरी होके गई है लाइन, तो उसमें कहीं भी कुछ फॉल्ट आएगा तो इसलिए उसमें बंद हो सकता है। बाकी अभी जो बंद हो रही हो तो जो शट डाउन हम प्लांट करके रखे हैं उसकी वजह से मेंटेनेंस के नाम से ही बंद कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय में यह स्थित है, आप देख सकते हैं कार्यालय अभियंता के यह कार्यालय है, जिला मुख्यालय का कार्यालय है और लगातार भरतपुर क्षेत्र में यहाँ पे 130 किलोमीटर दूर है और सप्लाई जो है मनेंद्रगढ़ इलाके से जाती है और लगातार लाइट गोल की समस्या आ रही है। ऐसे में ग्रामीण इलाके हैं और तमाम जो लोग हैं और शहरी क्षेत्र हैं लाइट गोल की समस्या से परेशान हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि एक लापरवाही के नज़ारा आप देख सकते हैं ऊपर में, किस तरह से खंभे में लाइटें जल रही हैं और दिन के लगभग 1 बज रहे हैं और भीषण गर्मी के समय में ऐसे में तमाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के इलाकों में लगातार बिना सूचना के जब लाइट गोल होती हैं उससे काफी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं गरियाबंद में गर्मी के मौसम में लोग पावर कट की समस्या से परेशान हैं। राजिम, फिंगेश्वर, मैनपुर, देवभोग और छुरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली बंद रहती है। बिजली विभाग में रखे ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने की वजह से खराब है। वहीं विभाग के जेई का कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से ब्रेकडाउन हो जाता है। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बिजली बिल का समस्या आ रहा है, उससे गर्मी में हलाकान हो गए पूरे बच्चे लोग और घर में पानी वानी के लिए भी तकलीफ हो रहा है। तो लाइन गोल होता है, शाम को होता है तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी बंद होता है, दोपहर में भी लाइन गोल हो रहा है अक्सर। अभी कटौती वगैरह तो नहीं हो रहा है, बीच बीच में जैसे आंधी तूफान के कारण मौसम ख़राब होता है तो लाइन फॉल्टी हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसको जल्दी जल्दी अटेंड करने की कोशिश रहती है विभाग की। तो कुछ कर्मचारियों की कमी है लेकिन फिर भी अपने पूरे मैन पावर का उपयोग करके जितना जल्दी जल्दी हो सके बनाने का प्रयास रहता है। बिजली विभाग भले ही पावर कट के पीछे अपनी दलील दे रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बिजली गुल होने से। कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव, मनेंद्रगढ़ से सुजीत शाह और गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और प्री मॉनसून मेंटेनेंस के चलते आज भी कोंडागांव, बलरामपुर और जगदलपुर में पावर कट की समस्या लोगों को झेलनी पड़ेगी। बिजली की लाइन का मेंटेनेंस करवाया जाएगा और गर्मी में बिजली सप्लाई बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, ये रिपोर्ट के जरिए भी आपने देखा। लेकिन अब जगदलपुर, बलरामपुर और कोंडागांव, ये तीनों जिलों के लिए ये भी सूचना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पावर कट की समस्या से आज भी लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। गर्मी का मौसम और इस दौरान कूलर और पंखे का सहारा लेना चाहते हैं लोग, लेकिन इस बीच पावर कट की समस्या लगातार लोगों को परेशान करती हुई। और ये बात महत्वपूर्ण है कि चुनावी साल भी इसी साल है और इसी साल इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता कहीं ना कहीं सजग होती है और चूंकि आज भी इसी समस्या से दो चार होना पड़ेगा तो अभी तक समाधान का कोई संभावना, कोई आसार नजर नहीं आते।
सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मिथिलेश, क्यों इस तरह की समस्या? हालांकि अधिकारी लगातार मेंटेनेंस का ही हवाला देते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी है, चुनावी साल भी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, चुनावी वर्ष तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब गर्मी का मौसम हो, पारा जब 45 डिग्री तक पहुंच गया हो, ऐसे में अघोषित रूप से बिजली काट देना और घंटों तक बिजली नहीं आना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी होती है। तो आज न सिर्फ कुछ जिले बल्कि अधिकांश जिलों में यही स्थिति देखने के लिए मिल रही है, जब अघोषित रूप से बिजली चली जाती है और कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलता है, घंटों तक लोग बेचैन रहते हैं, पानी गिरने से उमस और बढ़ गई है, ऐसे में एक मिनट भी रहना पंखे के बिना बेहद मुश्किल होता है। कूलर पंखे भी इतनी भीषण गर्मी में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब बिजली गुल हो जाती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोगों को परेशानी होती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यदि कोई मेंटेनेंस का कार्य करना है तो विभाग को पहले से सूचना दे देनी चाहिए कि इस वक्त में बिजली गुल रहेगी और आप अपने काम पहले निपटा लें। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां पहले से ही कोई सूचना नहीं दी जाती और यही वजह होती है कि अचानक बिजली जब चली जाती है तो लोगों को भारी परेशान होना पड़ता है। ना सिर्फ बिजली गुल होने से परेशानी होती है बल्कि इससे जुड़े होने वाली चीजें हैं, पानी है, सप्लाई है, ये भी प्रभावित होती है, तो निसंदेह लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग कम से कम ये जानकारी दे दे कि ये बिजली 2 घंटे के लिए गुल होगी, 4 घंटे के लिए गुल होगी, तो वो एक बात अलग होगी, लेकिन जब टेलीफोन लगाया जाता है तो बिजली विभाग के अधिकारी भी कोई जवाब नहीं देते बल्कि टेलीफोन उठाते भी नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है और न सिर्फ कुछ जिले बल्कि कई जगह पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गर्मी का मौसम आता है, विभाग के अधिकारी हैं, इंजीनियर्स, उनको यह मालूम है कि कितनी बिजली की खपत होती है, कितना ओवर लोड बढ़ सकता है, तो इसकी पूर्व नियोजित पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती है? जब एन वक्त आता है, जब गर्मी का मौसम आ गया है, नवतपा चल रहा है, 2-3 दिन है और लोग बेचैन हो रहे हैं गर्मी से, और उसी दौरान में आप बिजली काट देते हैं, तो अब ये तो सीधी सी लापरवाही है। और दूसरी बात, यदि बात किया जाए तो आने वाले समय में चुनाव का वक्त है, ऐसे में इन अधिकारियों की लापरवाही है कहीं ना कहीं भारी न पड़ जाए, ये एक संभावना भी व्यक्त की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज भी लोगों को इसी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से एक बड़ी जानकारी। दिल्ली में नीति आयोग की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक और राज्यों के सीएम इसमें शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, जो कि कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद है, नीति आयोग की इस बैठक में दोनों ही मुख्यमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्यों के विकास के रोडमैप पर मुख्य तौर पर मंथन इस बैठक में होना है। राज्यों से जुड़े आगामी विकास कार्यों को लेकर भी हो सकता है कि जानकारी मांगी जाए। इसे लेकर तमाम राज्यों के सीएम आज इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं।